हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है एक हेयर कर्लर। सो एज यू कैन सी कि मेरे हेयर्स एकदम स्ट्रेट है, तो मुझे ना बहुत दिनों से मन था कि मैं एक बार मेरे हेयर्स को कर्ल करूँ एंड कर्ल करने के बाद मेरी हेयर्स कैसी लगती है या फिर मैं ओवरऑल कैसी लगती हूँ वो मैं एक बार देखना चाहती थी। सो कर्लिंग इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मेरे पास कोई कर्लर नहीं था, तो इसलिए मैंने रिसेंटली परचेज की है ये रोजिया की प्रोफेशनल हेयर कर्लर, यू कैन सी। एंड क्योंकि मैं मेरे बालों से इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, लाइक कुछ महीनों के बाद स्ट्रेटनिंग फिर कर्लिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे बालों को डैमेज नहीं करनी है। क्योंकि एज यू ऑल नो कि हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत तो बालों की डैमेज हो ही जाती है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे मेरे बालों को हमेशा हेल्दी रखना है, इसलिए मैं कुछ भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ। एंड इसलिए मैं इतनी ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना चाहती थी इस हेयर कर्लर में, लाइक बहुत ही महंगा हेयर कर्लर खरीद के मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं साल में एक बार या फिर दो साल में एक बार ही शायद हेयर को कर्ल करूंगी या फिर उससे भी कम। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा हेयर कर्लर ढूंढ रही थी जो अफोर्डेबल भी हो एंड एट द सेम टाइम हमारे बालों को बहुत अच्छी तरीके से कर्ल भी करे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अफोर्डेबल एंड चीप प्रोडक्ट्स बालों को इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर्ल नहीं करती है या फिर लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स नहीं होती है। बट आई वॉन्टेड डेट कि अफोर्डेबल भी हो एंड एट द सेम टाइम क्वालिटी भी इसकी अमेजिंग हो। तो बहुत सारी रिव्यूज़ एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स देख के मैंने इस रोजिया की हेयर कलर को परचेज किया है। तो इसका ही इन डेप्थ रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप भी इस हेयर कलर के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, देन स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, सबसे पहले इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आई नो कि बहुत लोग स्किप करके ना सिर्फ प्राइस क्या है वही सर्च करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले प्राइस बता देती हूँ। इसकी प्राइस है 749 रुपीस। यस, हाँ, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से 749 रुपीस में परचेज किया है। आप इसे ऑफर में 749 रुपीस से कम में भी आप परचेज कर सकते हो। एक बार आप प्राइस ज़रूर चेकआउट कर लेना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड और एक बात, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद परचेज किया है, मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। सो यू कैन सी ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है एंड बहुत ही अच्छी है पैकेजिंग। काइंड ऑफ मैंने इसे ऑलरेडी 2-3 बार या फिर इससे भी ज़्यादा इसे एक बार ओपन किया है, क्लोज किया है। वैसे कर्ल तो मैंने सिर्फ एक बार ही किया है, बट मैंने इसे खोला बहुत बार है। बट फिर भी आप देख सकते हो इसकी जो पैकेजिंग है ना, काफ़ी ज़्यादा अभी भी न्यू काइंड ऑफ है। एंड ऑलरेडी मैंने इसे आई थिंक आज से 2 वीक्स पहले ही परचेज की है, कि यानी यहाँ पे ये क्या है इसके बारे में जो डिटेल्स है वो लिखी हुई है और भी बहुत कुछ यहाँ पे मेंशन है। इतना ज़्यादा अगर मैं अभी पढ़ के आप लोगों को सुनाऊँगी ना, तो आप लोग डेफिनेटली बोर हो जाओगे। तो हाँ, डायरेक्टली चलते हैं इसके अंदर के प्रोडक्ट में। सो इसके अंदर आपको इस तरीके से ये प्रोडक्ट है एंड देन आपको यहाँ पे एक वायर मिलती है एंड ये है प्लग जिसमें आपको उसे प्लग करनी है। एंड इसमें ना आपको ऑन ऑफ स्विच भी मिलती है, यू कैन सी ये पे ऑन, आप इसे इस तरीके से ऑन कर सकते हो फिर ऑफ कर सकते हो। इसके यहाँ पे जो आप ये कॉर्ड देख सकते हो ना, इसे आप इस तरीके से 360 रोटेट कर सकते हो, 360 डिग्री में आप इसे रोटेट कर सकते हो, तो बहुत ही इजी होगा जब भी आप कर्ल करोगे अपने बालों को। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हैवी होती है ना तो उसे पकड़ के कर्ल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एंड दिस इज़ सो लाइट वेट कि आप इसे बहुत ही ईजिली अपने बालों को कर्ल कर सकते हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसकी जो कर्लिंग आयरन आप देख सकते हो ना, इसमें सेरामिक सरफेस है जिससे कि आपके बालों में एक शाइन भी आता है एंड बहुत ज़्यादा लस्टरस भी लगती है आपकी हेयर। एंड जब आप इसे ऑन करते हो, ये जो एरिया है वो गर्म हो जाती है, बट ये वाली एरिया, ये जो ब्लैक एरिया है ना यहाँ पे, ये एरिया गर्म नहीं होती है। तो यू कैन टच दिस वन एंड आप इस एरिया को टच कर सकते हो, बट गलती से भी आपको यहाँ पे तो बिल्कुल टच नहीं करनी है। एंड और एक बात, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कोई भी बटन्स नहीं है, तो आप इससे टेम्परेचर तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अप टू 950 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये गर्म हो जाती है, बट आप इसकी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, विच आई थॉट कि एटलीस्ट देना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्टाइलिंग टूल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो तब अगर टेम्परेचर कंट्रोल वाली टूल्स होगी ना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, टेम्परेचर को कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो आप, बट इसमें इतना कुछ नहीं है। वैसे भी ये 749 रुपीज़ में आपको मिलती है एंड हम 749 रुपीज़ में और ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए इतनी ज़्यादा कंप्लेन इसके बारे में मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, राइट। इसमें आपको वायर मिलती है एंड वायर की जो साइज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, यू कैन सी यहाँ से स्टार्ट होती है
एंड ये एंड होने का तो नाम ही नहीं लेती है एंड यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, तो अगर आपकी जो भी स्विच बोर्ड है वो दूर है तो आप इसे इजीली वहाँ पे प्लग इन करके आप हेयर को कर्ल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी खासी लेंथ की आपको यहाँ पे वायर भी मिलती है, विच इज़ वेरी गुड अबाउट दिस। तो अब बात आती है कि इसे जब आप प्लग इन करते हो तो ये गर्म कितने टाइम में होती है। तो प्लग इन करने के बाद जब आप इसकी स्विच को इस तरीके से ऑन करते हो ना, तब एक मिनट के बाद ही ये तुरंत गर्म हो जाती है, तो तब से आप हेयर कर्लिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड जब आप कर्ल करते हो ना एंड आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई है, तो आप स्विच को एक बार ऑफ कर लीजिए एंड फिर आप थोड़ा कर्ल कर लीजिए, क्योंकि स्विच ऑफ करने के बाद भी जैसा कि मैंने बताया है कि ये गर्म ही रहती है, तो आप इजीली थोड़ा बहुत कर्ल कर सकते हो एंड इसके बाद फिर से आप एक बार स्विच ऑन करके कर्ल कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको जब भी लगता है कि ज़्यादा गर्म हो गई है तो आप थोड़ा टाइम के लिए इसे थोड़ा सा ब्रेक दीजिए एंड देन फिर आप ऑन करके कर्ल कीजिए। इससे क्या होगा कि इसके टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है एंड आपके बालों को भी इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। सो यही था छोटा मोटा सा इसके बारे में रिव्यू। सो इसे अभी यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से कॉम करनी है। बालों में ना बिल्कुल भी टेंगल्स नहीं होने चाहिए एंड आपके हेयर ऑयली नहीं होने चाहिए। शैम्पू करने के नेक्स्ट डे आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। ऑयली हेयर्स में करोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगी, तो इसीलिए बालों को अच्छे तरीके से कॉम कर लीजिए। तो मैं छोटा सा एक सेक्शन में ही आज आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यस गाइस, एंड देन आपको क्या करनी है, आपको अप्लाई करनी है हेयर सीरम एंड ये है लिवॉन की हेयर सीरम। थोड़ा सा हेयर सीरम आपको लेना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पार्ट कर्ल करने वाली हूँ तो यहाँ पे मैं लेके थोड़ा सा सीरम को अप्लाई करूँगी। सीरम अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपके बाल बहुत ही अनमैनेजेबल बन जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो इसलिए सीरम इज़ अ मस्ट। आप चाहे तो हीट प्रोटेक्टिंग जो स्प्रेस आती है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरे पास हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेस नहीं है तो इसलिए मैं सीरम ही यूज़ करती हूँ। जितना छोटा छोटा सेक्शन आप लोगे ना उतना ही आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि सेक्शन लिया है एंड इसे आपको कुछ इस तरीके से होल्ड करनी है एंड देन रोल। एंड आपको यहाँ पे 5 सेकंड्स के लिए वेट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड जस्ट रिलैक्स। यू कैन सी द कर्ल गाइस, जस्ट लुक एट दिस, कितना अमेजिंग कर्ल हुआ है ना। क्योंकि मेरी हेयर्स लॉन्ग है तो एक पार्ट को मुझे दो बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार से नहीं होती है, तो बचा हुआ जो पार्ट है उसे मैं फिर से एक बार कर्ल करूँगी। 1, 2, 3, 4 होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। जस्ट लुक एट दिस। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरे बालों को कर्ल किया है एंड पूरे बालों को कर्ल करने के बाद कितनी अच्छी एक लुक आती है, बहुत ही टाइट एंड बहुत ही अच्छी कर्ल्स है। तो इस तरीके से आपको इससे टाइट कर्ल्स ही मिलती है, लूज़ कर्ल्स आपको इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके जो आयरन टूल है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है, तो इसीलिए आपको इससे टाइट कर्ल्स मिलती है एंड क्योंकि ये टाइट कर्ल्स है तो ये बहुत टाइम के लिए लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये इजीली मेरे हेयर्स में, तो मैंने जब इसे कर्ल किया था ना 3 दिन तक मैंने हेयर वॉश नहीं की थी एंड 3 दिन तक ट्रस्ट मी जैसे मैंने हेयर कर्ल की थी ठीक वैसे ही 3 दिन तक वो थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। सेम टू सेम जब फर्स्ट डे में जैसे थी ना, थर्ड डे में सेम टू सेम वैसे ही है। सिर्फ आपको क्या करनी है, आपको इसे सिक्योर करनी है विद द हेल्प ऑफ अ हेयर स्प्रे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अच्छी सी हेयर स्प्रे की लिंक दे दूंगी। हेयर स्प्रे जब आप इसमें यूज़ करोगे ना तो ये बहुत टाइम के लिए लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। जितने दिन तक आप अपने बालों को वॉश नहीं करोगे उतने दिन तक ये जो हेयर्स है ना वैसे ही कर्ल रहेगी, तो हेयर स्प्रे डेफिनेटली आप यूज़ कीजिए।
हेयर्स पे अगर आप यूज नहीं भी करते हो ना तो भी इजिली आपके बालों में एक दिन तक ऐसे ही कर्ल्स रहेगी या फिर एक दिन से भी ज्यादा रह सकती है। और एक बात, क्योंकि छोटे छोटे सेक्शंस लेके आपको हेयर कर्ल करनी है तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो अगर आप कोई भी पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हो उससे मैं सजेस्ट करूंगी कि 3 घंटे पहले ही आप इस हेयर कर्लिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा लगती है। एंड और एक बात, जब भी आप कर्ल करते हो ना, मेक श्योर उस कर्लिंग आयरन को आप अपने फेस के सामने मत लाओ या फिर आपके ईयर्स के सामने, यानी आपके कान के सामने मत लाओ, आपकी नेक के सामने मत लाओ, क्योंकि तब आपकी कान या फिर आपकी फेस जल सकती है। तो आपके फेस से बहुत ही दूर से ही आपको कर्ल करनी है। यू कैन सी मैंने यहाँ से कर्ल करना स्टार्ट की है, मैं यहाँ से मैंने नहीं की है क्योंकि गालों में लग सकती है या फिर ईयर्स में लग के बर्न हो सकती है, तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से करनी है। इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आप कर सकते हो या नहीं, आप अपनी मम्मी या फिर आप अपनी दीदी किसी का भी हेल्प ले सकते हो। तो या यही था एक इन डेप्थ रिव्यू ऑफ दिस रोजिया हेयर कर्लर। सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो मेरा अगर ओपिनियन चाहते हो आप, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि ये सस्ता है एंड इसकी जो वर्क है वो भी बहुत अच्छी तरीके से करती है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।